अक्षी ममला ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और उन्होंने अपनी कमेंट्री की और वो विकेट फॉल होता है इसलिए माइक उन्होंने रख दिया और बोल दिया पीछे वेल द टेररिस्ट हैज डन वेल और समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो ये कहानी है, आपको याद होगा डीन जोन्स और हाशिम मामला, ये कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ साल पहले जब डीन जोन्स ऑन कमेंट्री लोगों को सुनाई दिया कि उन्होंने हाशिम मामला को कहा टेररिस्ट। तो इसके पीछे एक कहानी है और मैं वहाँ पर था, आई वॉज पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ कॉमेंटेटर। श्रीलंका साउथ अफ्रीका सीरीज 10 स्पोर्ट्स पे ये चल रही थी और मुझे याद है डीन जोन्स बहुत ही एकदम स्पिरिट में थे, बहुत नॉर्मली भी काफ़ी बातें करते लेकिन इस बार और ज़्यादा क्योंकि उसके पहले वो वेस्ट इंडीज़ गए थे और 2 महीना वहाँ पर उन्होंने काम किया और वहाँ पर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के, उन्होंने डीन जोन्स को ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया, यानी बार बार उसको कहते थे डीनो लेट द पिक्चर्स ब्रीद, यू नो कीप क्वाइट, यू आर टॉकिंग टू मच। तो बेचारा परेशान हो गया था डीन जोन्स और फिर आ गए श्रीलंका और यहाँ पर माहौल बहुत फ्रेंडली था, सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्री स्पिरिटेड, यानी कॉमेंट्री माइक लेके यहाँ पर चल रही है और माइक रख के ओवर के बीच हमारे साथ बातें कर रहे थे, यानी नॉन स्टॉप टॉकिंग उनका चल रहा था। तो स्टीव नॉरिस करके हमारे जो हेड ऑफ प्रोडक्शन है 10 स्पोर्ट्स के थे, वो आए श्रीलंका और उन्होंने कहा कि ज़रा संभाल के रहना कि जब आप ओवर के बीच बात करते हो, ऑल्दो आप माइक लेके नहीं, माइक तो रखते हो लेकिन बात जो करते हो वो ऑन एयर जाती है और लोगों को सुनाई देती है, खास तौर पे वो लोगों को जो कमर्शियल ब्रेक नहीं लेते। और यही हुआ डीन जोन्स के साथ कि हाशिम मामला ने उन्होंने ऐसे ही मजाक में टेररिस्ट उनको नाम रखा, गलती थी, गलत था, लेकिन वो मजाक में उन्होंने उनको ऐसे ही पेट नेम करके रखा था और डीन जो माफ़ कीजिए हाशिम मामला ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और उन्होंने अपनी कमेंट्री की और वो विकेट फॉल होता है इसलिए माइक उन्होंने रख दिया और बोल दिया पीछे वेल द टेररिस्ट हैज डन वेल और समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने कहा और वो बात चली गई माइक थ्रू ऑन एयर और साउथ अफ्रीका में किसी ने कमर्शियल ब्रेक नहीं ली थी तो उनको वो बात सुनाई दी। तो ये एक चैलेंज होता है कमेंटेटर्स को कि जब ऑन एयर आप होते हो तो ऐसा नहीं कि जो माइक पे बात करते हो वो ऑन एयर चली जाती है, कभी कभी माइक रख के भी बातें जो होती है, कभी कभी स्टूडियो शुरू होने के पहले भी बातें सुनाई देती है। तो डीन जोन्स को बहुत ही उसके बाद मुश्किल हुई, उनको चैनल ने सस्पेंड कर दिया, मैं उनको उसके बाद मिला था और वो भी उनको बहुत बुरा लगा था, उन्होंने पहले जो बात की वो हाशिम मामला को पर्सनली जाके अपोलोजाइज किया और ग्रेट जो बात है हाशिम मामला की, प्लेयर्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लेकिन उसी मौके पे हाशिम मामला ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आई नो यू डिडंट मीन इट और उन्होंने भी उनको माफ़ कर दिया, लेकिन डीन जोन्स को 1-2 साल कॉमेंट्री से दूर रहना पड़ा क्योंकि जब मजाक करते हैं तो मजाक होता है लेकिन कभी कभी मजाक बहुत महंगा पड़ता है और ये डीन जोन्स के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ भी है नहीं लेकिन वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स और बहुत ही पैशनेट थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे, इसकी वजह से शायद ये कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि काफ़ी उत्साहित डीन जोन्स है, लेकिन पता चलता है कि कमेंट्री है आसान काम लेकिन कभी कभी ऐसी मुश्किलें भी आ जाती है अपने लाइफ में।